शादी में माँ काफी ज्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी उनसे दूर जो जा रही होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की माँ मधु चोपड़ा के साथ। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी को प्रियंका चोपड़ा की माँ मधु चोपड़ा के बारे में बताने वाली हूँ। ये तो आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 दिसंबर को प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड सिंगर और एक्टर निक जोनस से शादी की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की वजह से उनकी माँ मधु चोपड़ा फूट फूट कर रोई है। जी हाँ, जैसे ही प्रियंका चोपड़ा को शादी वाले दिन उन्होंने देखा, वैसे ही माँ मधु चोपड़ा काफी ज्यादा रोने लग गई, वो भावुक हो गई। वहीं आपको बता दें कि शादी के बाद मधु चोपड़ा का शादी से जुड़े कई सारे बड़े खुलासे किए हैं और वही आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज के हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहा है मधु चोपड़ा ने शादी के बारे में और वो जो भावुक हुई है, ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी बेटी को देख कर काफी ज्यादा रोने लग गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं जब बेटी पैदा होती है तभी से माँ बाप उसकी शादी के सपने देखने लगते हैं और ऐसा ही कुछ सपना देखती थी बॉलीवुड की देसी गर्ल और मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा की माँ मधु चोपड़ा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड सिंगर और एक्टर निक जोनस संग शादी रचाई। इसी के साथ आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि शादी वाले दिन प्रियंका चोपड़ा की वजह से मां मधु चोपड़ा काफी फूट फूट कर रही हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि मां मधु चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे के दिल के बेहद करीब हैं। प्रियंका चोपड़ा की शादी होने के बाद मधु चोपड़ा का पहला बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने निकियांका यानी कि प्रियंका और निक की शादी से जुड़ी कई सारी बातें कही हैं। मधु चोपड़ा ने बताया उनकी लिटिल गर्ल की शादी का सपना आखिरकार पूरा हो गया। वो वक्त किसी के लिए बहुत भावुक होता है जब वो अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देखे। मैं इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि प्रियंका की शादी भारतीय परंपरा से हो। हम लोगों ने शादी की सभी रस्में की, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया। वहीं आपको बता दें कि मधु चोपड़ा ने आगे कहा कि मैं हमेशा से प्रियंका के लिए भारतीय रीति रिवाज से शादी करना चाहती थी। ये बात प्रियंका को पता थी। प्रियंका ने मेरी इच्छा पूरी की। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि प्रियंका और निक को लोगों का प्यार मिल रहा है। क्रिश्चियन वेडिंग के बारे में भी मधु चोपड़ा ने बात की। आपको बता दें कि मधु चोपड़ा ने कहा, उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जब मैंने प्रियंका को दुल्हन के रूप में देखा था। मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और रो दी थी, यानी कि मैं काफी जोर जोर से वहीं पर रो दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि मधु चोपड़ा ने आगे कहा कि व्हाइट गाउन बहुत सुंदर था और मेरी बेबी उसमें किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने ना केवल क्रिश्चियन वेडिंग बल्कि हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी के बारे में भी खुलकर बात की। प्रियंका चोपड़ा ने हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी में लाल कलर का लहंगा पहना था और कहा जा रहा था कि लहंगे पर प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस का नाम लिखवाया था, अपनी मां मधु चोपड़ा का नाम लिखवाया था और यहां तक अपने पिता का नाम भी लिखवाया था। मधु चोपड़ा ने हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी के बारे में कहा, प्रियंका लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी, उसमें कुछ भी झटक और झिल मिला नहीं था। लहंगा न केवल सिंपल बल्कि क्लासी भी था। मैं आपको बता दें कि अपनी बेटी की तारीफ करते हुए मधु चोपड़ा ने कहा, वो चाहे कभी भी रहे लेकिन अपनी परंपरा से जुड़ी रहेगी। निक के परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। निक हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि लोग कंफर्टेबल रहे। वो बेस्ट दामाद हैं। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने शादी की सारी तैयारियां अपनी देखरेख में की थी। शादी से कुछ दिन पहले वो उम्मेद भवन पैलेस भी तैयारियों का जायजा लेने गई थी। यहाँ तक कि प्रियंका के साथ संगीत सेरेमनी में
मनु चोपड़ा ने काफी जमकर ठुमके भी लगाए थे। मैं आपको बता दें कि मनु चोपड़ा ने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी और अब प्रियंका चोपड़ा की दो रीति रिवाज से हुई शादी के बाद मुंबई में एक रिसेप्शन होने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रियंका और निक ने दिल्ली में रिसेप्शन दिया था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अब बॉलीवुड के लिए एक काफी बड़ा रिसेप्शन देने वाले हैं जो मुंबई में ही रखा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए प्रियंका चोपड़ा की माँ मधु चोपड़ा के बारे में तो आपको बता दें कि मधु चोपड़ा अपनी बेटी को दुल्हन के अवतार में देख काफी ज्यादा रोई थी। जैसा कि मधु चोपड़ा ने खुद ही कहा है कि वो अपनी प्रिंसेस को अपनी बेबी को देखकर काफी ज्यादा रोने लगी थी। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं आपको बता दें कि एक माँ के लिए उसकी बेटी की शादी का दिन काफी ज्यादा बड़ा होता है। जहाँ एक तरफ एक माँ की खुशी होती है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक माँ को इस बात का दुख भी होता है कि उसकी बेटी उनसे दूर चली जाएंगी। लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि प्रियंका चोपड़ा जहाँ भी रहे काफी ज्यादा खुश रहे और अपनी माँ मधु चोपड़ा के साथ वो हमेशा खड़ी रहे। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा भले ही हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं, लेकिन वो अपने हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी में उन्होंने काफी अच्छे से सारी रस्मों को निभाया और अपनी माँ का सारा सपना पूरा किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा को लेकर भी खबर सामने आई थी कि प्रियंका चोपड़ा अपनी शादी में अपने पापा को याद कर खूब रोई थी। जी हाँ, दरअसल प्रियंका चोपड़ा के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन प्रियंका चोपड़ा अपने पापा से बेहद प्यार करती हैं और आज भी अपने पापा को काफी ज्यादा मिस करती हैं। वहीं कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा शादी वाले दिन भी अपने पापा को काफी ज्यादा मिस कर रही थी और शादी में प्रियंका चोपड़ा का कन्यादान उनकी बहन परिणीति चोपड़ा के मम्मी पापा ने किया था। वह आपको बता दें कि अगर आज प्रियंका चोपड़ा के पापा इस दुनिया में होते तो आज वो भी अपनी बेटी का कन्यादान करते। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रियंका चोपड़ा के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिता की कमी परिणीति चोपड़ा के माता पिता ने पूरी कर दी और प्रियंका चोपड़ा का कन्यादान किया और काफी अच्छे से प्रियंका चोपड़ा की शादी संपन्न हुई। हेलो भैया, कितना की है? डिसाइड ऑन सेंटर सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर। दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की शादी से जुड़े कई बड़े खुलासों के बारे में बताया जो खुद उनकी माँ मधु चोपड़ा ने किए। वो अपनी बेटी प्रियंका को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो गई। आपको बता दें कि अब शादी तो हो गई और अब है मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन जो बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारों के लिए रखा गया है। कहा जा रहा है कि ये रिसेप्शन 20 दिसंबर को रखा गया है और इस पार्टी में कई लोग शामिल भी होने वाले हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां इस रिसेप्शन में नजर आने वाले हैं। अब इंतजार है शादी के बाद तो इस रिसेप्शन का। वेल, फिलहाल के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटेंगे इसी प्रोग्राम के साथ और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही कुछ और मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की और भी चटपटी और स्पाइसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।